हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नामदेव में। मैं हूं नीरज गलत नामदेव और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो 13 अगस्त का ALP रेलवे RRB का जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं अपन सबसे पहला क्वेश्चन की, इंटरपोल का मुख्यालय पूछा गया था जो लियोनस फ्रांस में है। इसके अलावा डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ये पूछा गया था। इसके अलावा आई टू वाइट आई पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। इसके अलावा नोवा ब्रिस्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? CMN चीन में हुआ था। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा था जो पता है आपको फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन विटामिन के का। इसके अलावा सवाल का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। और वाटर पोलो जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। और पीले फास्फोरस को जो पीला फास्फोरस होता है, देखो लाल फास्फोरस तो आपको जो तीली में काम आता है, इसके अलावा एक पीला फास्फोरस होता है जिसको रखा जाता है जल में। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वैक्सीन टीका की खोज किसने की थी? तो वो है एडवर्ड जेनर। इसके अलावा डायमंड कार्बन स्ट्रक्चर के ऊपर आया था एक क्वेश्चन। इसके अलावा ओम्स का फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नोबल गैस है उसके बारे में उस क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? तो आपको पता होगा नेफ्रॉन व्रकाणु की यूनिट है। वोल्ट मीटर किसको नापने के लिए काम आता है? तो सीधा सीधा वोल्ट मीटर नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज को मापने के लिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से ओड नंबर कौन से हैं? 71, 73, 74 और 77। मेरे हिसाब से इसका आंसर 74 होना चाहिए क्योंकि बाकी सब ओड नंबर और ये इवन नंबर है तो इससे अलग होगा ये वाला। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ अमोनियम नाइट्रेट पे अक्सर इसका फॉर्मूला पूछा जाता है जिसका होता है NH4 और NO3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक डायमंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा पूछा गया था जो करंट अफेयर से विनबैक्स वन मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हुआ था? तो ये इंडिया और वियतनाम के साथ साइन हुआ था। ये एक्सरसाइज करंट अफेयर के ऊपर है। इसके अलावा पूरा क्वेश्चन ये है जो बिजली बिल माफी योजना 2018 ये एक योजना है जो किस राज्य में लागू की गई थी? तो वो मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इसके अलावा पूछा गया था 273K किसके बारे में है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 273K किसके बराबर है? तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया था जो आपके G20 सबमिट 2000 बैठक कहाँ पे हुई थी? तो वो बोएनस एयर अर्जेंटीना में हुई थी। इसके अलावा जो चेनानी टनल है जो सबसे बड़ी टनल है और अभी इसका इनोग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी के ने, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि चेन्नई टनल इनोग्रेशन किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था। ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट टनल है, ये और बता दूं मैं आपको एक्स्ट्रा। इसके अलावा युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था? अभी जो हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ था वो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसके अलावा युगांडा की कैपिटल पूछी गई थी जिसकी है कंपाला। किस लिए पूछी गई थी? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने युगांडा में विजिट किया था। तो जो अभी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जितने भी देश में यात्रा की है उसकी जो मुद्रा और कैपिटल देख लेना एक बार। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल है कौन से राज्य में है? तो वो आसाम में मनाया जाता है। इसके अलावा सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो 11 होती है। और नेक्स्ट पूछा गया था सिरका का pH मान 3 होता है। गुजरात का राज्यपाल पूछा गया था जिसका आंसर है ओम प्रकाश कोहली। इसी टाइप के अपडेट रहने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहे, पेपर मिलते रहे, इसके लिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।